360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव, आपने साथ यहाँ कल अन्नदाता से जो परेशान हो रहा है, बाकी परेशानी बहुत इतनी बड़ी परेशानी है, वहाँ ने कर्ज चुकाता चुकाता ही थक गया, अब अन्नदातों करे काई, अन्नदाता की जमीना भी चल गई, जमीना के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी नहीं दिए गए। तो आज से पूछा था कि भाई काई परेशानी आई, क्या आई, एक अन्नदाता से जानते हैं, क्यों क्यों दुखी है, अन्नदाता दुखी रहेगा तो कैसे काम चलेगा, आज से ही पूछा था। आप बताओ भाव जी, का ही हो चो? भाई साहब, मैंने एक केसीसी का नाम पे एक एजेंट ने कंपनी वाले वेद फाइनेंस ने बुला लिया, बोले आपको मैं केसीसी दिलवा देता हूँ, बड़ी केसीसी दिलवा दूंगा तो आपका सब काम हो जाएगा। बोले भाई ठीक है भाई, केसीसी में तो बैंक से, बड़ौदा बैंक से लेता, जो आप दिलवा दो। बोले 8% लगेंगे भाई, 8% दे देंगे। 8% का चक्कर में हमारे को ले गया, हम चले गए भाई साहब। वहाँ चलते 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 हमारे से गए जमाबंदी लेना, नक्शा लेना, और जो आपकी ये गिरदावड़ी है वो भी लेना, आधार कार्ड लेना, चेक बुक लेना, ये सब हमारे को कागजात सबड़े ले लिए। तो हम चले गए साहब कागजात लेके, तो हमारे को बोले आपको कितना लोन चाहिए? मिकी साहब भाई 35 लाख को लोन चाहिए जी मैंने। तो बोले 35 लाख रुपये आपके खाते में कर देंगे। तो बोले आप जाओ आपके कहते हैं कि भाई ने हमारे से साहब लिखा पढ़ी करवा ली, जनाब हम लिखता 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 कम से कम 100 जगह दस्तखत करवा लिया, और खाली चेक लिया हमारे से 10 चेक लिया, 10 चेक ऊपर फिर भी खाली बड़ी चेक पर दस्तखत करवा लिया। हमारे को कह दिया बोले आपके खाते में ट्रांसपोर्ट पैसे हो जाएंगे, आप जाओ तहसील में चित्रकूट जाओ। और मैं चित्रकूट में चल गया साहब। अब चित्रकूट में गया तो साहब माखन तो तहसीलदारगंज माखा कूटा निशाने सब लगवा लिए। अब मैंने तो नोटिस गया जब साहब, हमने 11.5 लाख रुपये दे दिए, 2 कद लाख कद 1.5 लाख कद ऐसे जमा करवाए, एजेंटों को देके भेजा भाई आप जाओ तो मेरी किस्त कटवा दीजिए भाई। अब बैंक में हमारे पास मुझे भागरोटा है, मेरा बैंक खाता जो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ, मैं किसान आदमी हूँ, तो बच्चा बच्ची से जो परेशान थे, जो पढ़ाई लिखाई मेरे खेती में मैं परेशान था, फिर साहब 11.5 लाख जमा करावा के बाद में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में हमारा तो काम ही चौपट हो गया, हमारी खेती फेती सब चौपट रोड हो गई। अब हम क्या करें? हमारे पास नोटिस गया भाई आपने पैसे नहीं दिए, तो साहब नोटिस भेजा, तो साहब आपके तो नोटिस आ गया। किसका आ गया? कि आपका मुकदमा का नोटिस भेज दिया, जेल का आदेश आ गया है साहब, नोटिस आ गया। आपना नहीं यानी कि कहाँ आवश्यकता पड़ गई चीज़ जो ये कारण से आप यह जमीन जो किसान की जो जमीन बल बने देनी पड़ी कहीं, अच्छा कहीं हो जो अजी साहब यहाँ कहीं कौन है, तो KCC लिया था भाई, किसान कार्ड में किसान सब लेते हैं, सब किसान ले रहे थे, एक भी कौन छोड़ रहे भाई। किसान कार्ड बड़ौदा बैंक से, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसे बड़ौदा या यूको या सबसे किसान लोन ले रहे हैं, लोन लेते हैं 10 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख 4 लाख क्रेडिट कार्ड लेते हैं सब। तो साहब हमारे को तो ये फंसा दिया, अब एजेंटों ने फंसा दिया, तो भाई ठीक है ये बढ़ा देता होगा। नहीं तो थाना लोन कर लिया, थाने कितना को लिया था, लोन कितना को लिया था और कितना थाने बताया था चुका दिया था? 35 लाख का लोन बनाया, और हमारे को जो 6 महीने में 2 कद 3.5 कद 4 कद ऐसे डालते हमारे साथ कमाने साहब, हमारे को 6 महीने में पेमेंट डाला है उसने 31 लाख रुपए डाले हैं, 35 लाख में से 31 में क्या साहब पूरा पेमेंट नहीं आया। बोले आप तो ऐसे करो ये यहाँ ही इतना ही मिलेगा आपको पैसा, हमारे पास इतने पैसे हैं। फिर हमने वापस देना शुरू कर दिया, और वापस दिया तो देते 11.5 लाख रुपये दिए, लॉकडाउन लग गया तो साहब हमारा चौपट हो गया काम, हमारे पास किसान की हालत ख़राब हो गई, खेती भी रापड़ हो गई, सब चीज़ों में हम दमाडोल हो गई। आज हमारी जो नोटिस गया तो हमारे को देखे बोले आपका कोर्ट का नोटिस आया है, आप जेल जाओगे। बोले जमानत करो, हम वकील भाई कन गए, दूसरा कन वो भाई कन गए, तो वकील जा चल मेरे साथ कोर्ट में आए, कोर्ट में आए तो वकील करे, तो वकील यहाँ की बात आने कौन बतायो, नोटिस गए हमारे घर, नोटिस गया आपका मल्ले शू कोर्ट का नोटिस है आपको हाजिर होने का, नहीं जेल जाओगे आप। नहीं आप बात कौन बोले थाने? ये मेरा पड़ोसी बोला, हमारे स्टैंड पर कोई दुकान है परचूनी की, उस पर आया कि ये तेरा नोटिस आया है तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा, तो आप जेल जाना पड़ेगा, आप जल्दी जाओ। मैं दूसरे दिन भागा, वकील आके करे तो वकील भी पैसे मांगे साहब, अब साहब पैसे तो देते देना ही पड़े, अब माकर कटे जा पड़े कटे उड़ा सोड़ा तमाए जाएगा, हाथा जोड़ी करी पैसे देके उनको वकील बनाया, वकील बनाया तो उसका वकील आ गया, तो वो कहते मैं इसको
इसको मैं आपको रजाबंदी करवा देता हूँ, सेटलमेंट करवा दूंगा। चले मैं मानो वकील साहब ने कि मेरे साहब मैं तो दो दिन की मैंने मोहलत दूँ, मैं पैसा की व्यवस्था करूँ। मैं पैसा की व्यवस्था कर पाँच दिन बाद मैं वकील के नया साहब मैं वकील साहब है मैं पैसे की व्यवस्था करिए तो आप वहाँ चलो। वकील साहब दो वकील यहाँ से कोर्ट से वहाँ गए, और वहाँ गया तो मेरे को तो ये बोला, बोलिया 1,48,00,000 हो गए। आ थाने कौन बोलियो कि 1,48,00,000 जी खुद जो लोन दिया है वो ऐसे बोला कि 1,48,00,000 रुपए हो गए ए लिया और आपको एनओसी मिल जाएगी, अगर आप पैसे लाए वो तो जमा करा जाओ और बाद में कम पड़े तो बाद में ले आना, मेरे को तो ये बोला। जब मैं क्यों साहब मेरे पास तो 1,48,00,000 रुपए तो आप ब्याज भी जोड़ो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं अभी यहाँ तो 1,41,00,000 दे ला, तो फिर तो फिर टाबरा ने क्या पालसी, अब ये क्या पालेगा, कहीं जमीन ले ली वो तो हाथ कटा लिया, जमीन बेचेगा आप मेरी जमीन की तुम रुखवाली कर रहे हो, मैंने तो पैसे दिए मेरी जमीन है आप रुखवाली कर रहे हो, मेरे को तो ये बोला उसने। अरे तुम मर गए तुम्हारे बच्चे आएंगे मेरे पास, नहीं तो अब थे भी इतना कतना कर्जा में जब डूबता जावला कहीं कराला भी कहीं साहब कर्जा में डूब गया कहीं मरबा की फांसी में तो सरकार कर हाथ जोड़ रहे थे भाई माँ को इसको कैसे भी निपटारो करवा दिए। अरे नेता है जो एक भी सारे नहीं आता, नेता का सूचना नहीं है क्या, सबके पास है लेकिन जयपुर से दिल्ली तक के नेता है लेकिन वो भी हमारी तो कोई सुनना ही नहीं। बाहर खून कर नेता कन गया, अब बाहर कुछ कह किसी नेता के जाए साहब, हम तो फोन करते हैं तो मिलते नहीं है, फोन उठाते हैं कि साहब मिलेंगे, अब क्या दिल्ली थोड़ी जाओ, अब दिल्ली को मैं जयपुर तक कौन पहुँच पाला है किसान में जो दिल्ली खांसे जाऊँगा। तो अब बाहर ये जो चुनाव आया है तो चुनाव माता भी घर घर आवाला कराला आता जोड़ी कर सी था तो फिर काई भी सब बात काई बोला था काई बात बस काई बात कर ला बस तो सीधा काला झंडा दिखाऊंगा मैं, काला झंडा दिखाऊंगा मैं। हम किसान पीड़ित है वो फैसला करे जो हम मंजूर हैं, लेकिन हमारी मंजूरी मंजूर तो करवाओ नहीं वो कुछ, हम वोट उसको कैसे देंगे, वोट पड़े वोट तो दे दिया हमने नेता बना के, नेता बना रही भेज दिया जब तो हमारी साथ में ये पाँच साल में इतनी पीड़ित भोग रही है, नहीं तो भोगने की जरूरत कहाँ थी। नहीं तो माने थे वोट दिया तभी तो भाई नेता बने ने, आज भी था कि दुख सुख में खड़ा कौन हो रहा, बिल्कुल पहले 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 यही तो सोच थे कई सोच दिया बने कि माने वोट दूंगा तो मेरे काम आशी जी साहब, मैंने वोट दिया थे भाई हमारी पीड़ा के मायने हमारे नेता काम देंगे इस वास्ते हमने वोट दिया है, लेकिन आज हमारी पीड़ा के मायने उसने कोई साथ दे नहीं दे रही, नज़दीक नहीं फोन करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाते हैं बाद वोटें खोल लेते हैं, क्या करें बताओ, हम तो मजबूर हो गए भाई साहब अब इसके क्या करें, हमारी मानसिकता से बहुत इतना कमज़ोर हो गया जिसकी कोई हद नहीं, अगर मानसिकता से कमज़ोर हो गया अगर मैं मर गया तो महेंद्र बेद मेरा जिम्मेदार होगा, मेरे परिवार का होगा, महेंद्र बेद मेरा परिवार का जिम्मेदार होगा, मैं नहीं होता। ठाकाने जी मान लो जमीन भी कौन है, बाबा ने भी काई कौन है, तो फिर अभी ये टाबरा ने परिवार ने क्या पालसी पे थे, अब तो काई बताओ तो साहब माखन तो कोई उपाय कौन है, अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास, हम तो पासी खाने के फंदे पर हैं, हम तो मरना है, लास्ट सीमा हमारी ये है, अब तो पासी खाना है और मरना है। मरबा से कहा आप समझ आपने मेरी साथ तो नहीं मैं तो चला जाऊंगा पाँच होगा जो भगवान करता रहेगा क्या करेगा, मरबा से आपने समस्या हल थोड़ी हो तो जैसी कहीं करा बताओ, आप कहीं करा बताओ तो उपाय कौन, हमारा कोई समझौता हो जाए तो हम उनको कोई हाथा जोड़ी से हमारे से जब बैठे बने जैसे जैसे उसको उसको नाके जोड़ी में, लेकिन नाके किसके ना के किसके आज कितना जाना से यहाँ का पीड़ित है गाँव में, पीड़ित झोटवाड़ा क्षेत्र से है 500 आदमी 500 किसान है 500 अभी तो और भी बहुत है, और तो दूर दूर के है लेकिन 500 तो हम झोटवाड़ा से हैं, इतना पीड़ित है इतना पीड़ित है जिसकी कोई मेरी हद नहीं है। और सबकी एक तो था क्या बड़ी ने वो लालचंद कटारिया वो कृषि मंत्री भी था को बड़ी को से तो वो काई काई का आश्वासन दिया काई बोलिया नहीं है पास भी जा क्या है थे ना उन्होंने तो ये जाके आए थे मैं तो गया नहीं मैं तो ये गया था बैठ गए वेद फाइनेंस में और वो गए थे उसको लेके गया था आदमी गया जो हमारे तो ऐसे बोल रहा था कि वेद फाइनेंस वाले आ रहे हैं भाई मंदिर महेंद्र भाई साहब उसका किसानों को इनका निमटारा निमटा देना, अब वो चले गए तो उसका 2,20,18,00,000 था तो 2,18,00,000 था तो उसने ये बोला कि आपके 5,00,000 रुपये भाई साहब ने लालचंद जी ने फोन किया 5 कम कर दिया है 18 में से 5 कम कर दो तो 2,13,00,000 रुपये लगेंगे, यानी वो ब्याज इतनो बढ़तो आज इतनो होगो
अब साहब ब्याज कहीं माजी तो सामाई को दिया जाए अपने करा कहीं बीमेस पर का नहीं तो बारे या चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में कहीं वोट की चोट देवला के आना जो जब जाने का वोट कड़े पड़िया चाहता नहीं अभी अब वोट कड़े पड़िया चाहता कि नहीं वोट कड़े पड़िया चाहे जो हमारी नेता सुनेगा उसको वोट मिलेगा नहीं तो हमारी एलईडी चलेगी वहाँ हम चाहे हमारी बर्बाद हो जाए लेकिन हम पीछे चलेंगे वो आगे चलेंगे हम पीछे चलेंगे और किसानों से यही रोएंगे ये आपसे वादा किया है अगर रोटी टेम किसान का अगर माता पे हाथ नहीं रखा तो आप इसको किस वास्ते वोट दे रहे हो काहे के वास्ते वोट दे रहे हो जमीन अब मैं तो रो रहे हैं और तो इसको वोट दे रहे हो काहे के वास्ते दे रहे हो नहीं मिलेंगे वोट नहीं तो गांव गांव में तो जा रहे हैं नहीं गांव में जा रहे अन्नदाता ने सबने यहाँ बोला ला के भाई करता अन्नदाता क्या करे अन्नदाता का तो लूट के खा गए अन्नदाता को तो गाँव में हम किसान अन्नदाता है लेकिन अन्नदाता की कोई सुनने वाला नहीं है नहीं नेता ये कहते भाई आओ आप बैठो किसान आपका मैं समझौता करवाता हूँ उसको बुलवाता आपके फार्म पे बुलाता कहीं बुला लेता और उसको बैठा के समझाता बोले किसानों किसान में क्या कर रखी है तुमने जी साहब एक किसान को 2 लाख रुपया दिया 15 लाख का लोन कर दिया 2 लाख रुपये उसके खाते में डाले 1,80,000 एजेंट वापिस ले गए कागजों के उसके बाद 20,000 रुपये बचे उसको उससे 70,000-70 लाख रुपये मांग रहे वो कहाँ से देगा वो 70 लाख 20,000 का 70 लाख कहाँ से देगा मुझे ये बताओ आप तो थाने यहाँ लागत है कि ये विधायक एमएलए आके साठ गाठ से भी के बच्चे से यहाँ है हो सके साहब मान तो कोई पतो को नहीं साहब ओली साठ गाठ में ली तो निर्मा की तो माँ साठ गाठ हेली तो आप मान तो पतो को माँ की कोई अनपढ़ आदमी थे मैं तो ज्ञान लगा जब भी ताकि समस्या को कहीं हल को निकल पा रहे हो कहीं को न पा रहे हो फिर नेता नांगड़ा भी हाथ भाई साथ न लाग रहे तो साठ गाठ हो सके अब मान लो पुख्ता ने हाल तो छे को नहीं साहब मैं तो झूठ मेल भाई कहीं हो सके थे भाई की साथ हुई महेंद्र बैद के साथ हुई उसके चार हैं महेंद्र बैद का चार आदमी है उसका छोटा कर्मचारी वो हमारे को बर्बाद किया है वो चारों का हमारी FRR भी कट रही है सोडा थाना से कट रही है कम से कम 17-18 कट चुकी लेकिन हमारा कोई अभी तो अब आगे काई कर सीधे अब साहब हम तो कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं अब आपके पास आपके तो पास सरकार मान ले न मानी तो रोड पर सरकार अब ये रोड पर जाएंगे महेंद्र बैद का ठेठ बंगला पर पहुंचेंगे उसके घर और बंगला को जाम करेंगे हमारे को तो वैसे में मर गए क्यों हमारी बाप दादू की संपत्ति थी ये जमीन माता है हमारी बाप दादू की माता ही जा रही है तो हम जी के क्या न्याय करेंगे यहाँ तो हम यहाँ आ गए मरना है 20 साल बाद मरेगा पहले मर जाएंगे क्या दिक्कत है पूरा परिवार ही मर जाएंगे वो खा लेंगे क्या होगा हमारी आत्महत्या होगी मेरे दिमाग का एब्सेंट हो गया भाई साहब हमारी मानसिकता कमजोर होगी मैंने 20 दिन होगा दवाई खाते हम कोटू के चक्कर काट रहे लेकिन हमारी कोई सुनते नहीं उसके बाहर ने जाके मरूंगा सब वहाँ मरेगी मरना मंजूर है अब लास्ट होप है हमारी तो थे देखा क्या किसान परेशान हो रहा थे क्या दर दर की ठोकरा खा रहे थे कोटा का चक्कर काट काट थक गए जूतियाँ घिस गया कि अब करे तो का ही करे किसान जब ये जब बात करे तो इनको यही बोलिया कि अब करा का ही अब तो मर बात से लावा माँ करे और कोई ठीको भी कोनी वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल गोयल के साथ गणेश यादव थिंक 360 जयपुर।